नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एंड कैरियर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीयूटी को लेकर के जो बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई करें और क्या क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो चुका होगा कि सीयूटी की अंतिम जो डेट थी वो कल की थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 30 मार्च तक के लिए कर दिया गया है। 30 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी की अगर बात करें इसमें, तो सीयूटी के अंडर बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसके लिए हर कोई चाहता है सीयूटी। मोस्टली लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है जामिया है और JNU है। JNU में काफ़ी कम कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाता है, वोकेशनल कोर्स भी देता है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोग दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। उसमें जो है BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके जो है वो कोर्स बहुत ही यूजफुल बच्चों के लिए, तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के टेंशन बनी हुई है कि क्या चूज़ करें, तो आपको दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 4 सब्जेक्ट चूज़ करने ही होते हैं, जिसमें से सबसे नंबर वन पे आता है इंग्लिश। तो आप लोगों को लेना ही लेना है। उसके बाद दोस्तों जो लेना है, जैसे अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आप लोग एक और सब्जेक्ट ले सकते हो, वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में सभी सामान्य चीज़ें आएंगी, सामान्य जनरल नॉलेज, थोड़े बहुत मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग आएगी, उससे आपको और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अदर एग्जाम्स के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग दूसरे जैसे कॉमर्स से हैं, तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को रिप्लेस करके आपके जो सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स या फिर बहुत लोग मैथ्स हैं, तो वो लोग उसके लिए जा सकते हैं। और अगर BA करना चाहते हैं, अगर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट है उसको चूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को और कोई डाउट है किसी यूनिवर्सिटी से लेकर के रिलेटेड या फिर फीस को लेकर के, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, उसका हम जरूर से जरूर सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, इसमें 3 सब्जेक्ट के लिए 750 रुपये फीस मांगा है, लेकिन उससे कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, स्पेशली दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट 4 देखे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे, इसलिए आपको 1500 रुपये कम से कम पे करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।